ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर रूपाली मलिक से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। डॉक्टर रूपाली, कोरोना वैक्सीन को लेकर दुनिया भर में कोशिशें की जा रही हैं। दुनिया भर के तमाम वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में अथक परिश्रम कर रहे हैं। इस बीच आज ये खबर आई है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को भारत के ड्रग कंट्रोलर ने एक बार फिर से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से जो वैक्सीन बनाई जा रही थी उसके ट्रायल्स की मंजूरी दे दी है। कुछ समय पहले एक स्वयंसेवक पर इसका नकारात्मक असर पड़ने के बाद इस वैक्सीन के ट्रायल को रोक दिया गया था। डॉक्टर रूपाली, किन शर्तों के साथ इस वैक्सीन के ट्रायल को एक बार फिर भारत में मंजूरी मिली है? ये जो रोक लगाई गई थी वैक्सीन के ट्रायल पे, ये इस वजह से लगाई गई थी क्योंकि एक दो पेशेंट्स इस तरह के देखे गए थे जिनमें अनएक्सप्लेन्ड इलनेस मिली थी जिसका कोई कारण नहीं था। तो ऐसा माना जा रहा था कि वो वैक्सीन के साइड इफेक्ट की वजह से ऐसा हो सकता है। आगे जब अध्ययन हुआ उसके ऊपर तो पाया गया कि शायद ऐसा नहीं है, तो इसके चलते ये वैक्सीन का ट्रायल जो है फिर से आगे रिज्यूम करने के लिए हामी दी है डीसीजीआई ने। पर लेकिन मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस आज के समय में हमें जिस चीज को देनी है वो है सोशल वैक्सीन। अभी भी जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है जिसको कहीं ना कहीं अब हम पीछे छोड़ रहे हैं वो है सोशल वैक्सीन। शुरू से जो आपको प्रिकॉशंस बताते आए हैं कि कोई भी पब्लिक प्लेस में जाए तो दूरी बना के रखें कम से कम 1 से 2 मीटर की, अपने नाक और मुंह को हमेशा ढक के रखें और अपने हाथों को धोते रहें और उनसे आंख मुंह नाक को ना छुएं। अभी भी सबसे इम्पोर्टेंट प्रिवेंशन जो हमारे लिए पॉसिबल है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए वो ये सोशल वैक्सीन ही है। बाकी ट्रायल्स चल रहे हैं, अपनी जो इंडिजिनस वैक्सीन है उनके भी ट्रायल्स चल रहे हैं, फेज 1 फेज 2 में हमें सफलता मिली है। बट आगे भी एक लंबी जंग अभी बाकी है। अगर वैक्सीन की बात की जाए तो केवल वैक्सीन को बना लेना एक पॉइंट तक सफलता है, बट उसके आगे उस वैक्सीन को इतनी बड़ी जनसंख्या को देना एक दूसरा चैलेंज होगा, वो भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत बड़ी है। तो मेरा मानना यह है कि जब तक हमारे पास वो सब चीजें उपलब्ध नहीं है, सोशल वैक्सीन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जिसका हम पालन कर सकते हैं। डॉक्टर रूपाली, जब हम वैक्सीन की बात करते हैं तो एक रिसर्च के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि जो फ्लू का टीका होता है वो कोरोना से बचाने में भी मददगार साबित हो रहा है। कुछ देशों में जहां फ्लू के टीके बड़े पैमाने पर लगाए गए हैं वहां कोरोना का प्रसार उतनी तेजी से नहीं हुआ है, क्या कहेंगी आप? ये जो बात आपने कही है, ये ब्राजील में एक स्टडी हुई थी जिसमें कि लगभग 90,000 लोगों के ऊपर ये स्टडी की गई थी। उसमें कुछ इस तरह के रिजल्ट्स पाए गए थे कि जिन लोगों में फ्लू शॉट लगा था हाल में उनमें कोविड-19 की वजह से जो मृत्यु दर था वो लगभग 30-35% कम था। बट बाकी जो बहुत सारी और रिसर्चेस जो हम देखें उसमें अक्सर ये चीज देखी गई है कि जो फ्लू वैक्सीन है वो केवल आपके इन्फ्लुएंजा वायरस से प्रोटेक्ट करती है और जो नॉन इन्फ्लुएंजा रेस्पिरेटरी इलनेसेस हैं उनके अगेंस्ट उतनी कारगर नहीं है। तो ये अभी कहना संभव नहीं है कि हम फ्लू वैक्सीन लेंगे तो क्या हम कोरोना वायरस से बच जाएंगे, इस स्टेज पे कहना तो मुश्किल है। बट एक चीज है कि बहुत बार ये बीमारी दोनों एक साथ, फ्लू और कोविड-19 दोनों भी हो सकता है। तो अगर आप फ्लू वैक्सीन आपने ली है तो कम से कम आप एक बीमारी के उससे प्रकोप से बच जाएंगे। वैसे भी हमारे हेल्थ सिस्टम पे देखेंगे तो अगर हम फ्लू का अगर हम प्रकोप कम करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे वो सब रिसोर्सेज जो फ्लू के लिए यूज होते हैं वो कोरोना की लड़ाई में हम उसको यूज कर सकते हैं। वेंटिलेटर्स हैं, रेस्पिरेटरी आईसीयूज हैं, तो इसलिए भी हमें बहुत जरूरी है कि हम बाकी रेस्पिरेटरी इलनेसेस को भी कम करें। फ्लू को कम करना एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट उपलब्धि होगी। डॉक्टर रूपाली, इम्पीरियल कॉलेज ऑफ लंदन और ऑक्सफोर्ड जो वैक्सीन की ट्रायल कर रहे हैं 30 लोगों पर नाक से टीका दिया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि ये पता लगाया जाए कि जो कन्वेंशनल मेथड है वैक्सीन देने का उसमें और नाक से टीका देने में दोनों में क्या फर्क है और क्या नाक से टीका देना ज्यादा प्रभावी साबित हो सकता है कोरोना संक्रमण में, क्योंकि कोरोना वायरस नाक से ही घुसता है। जब हम कोई नाक से वैक्सीन देते हैं तो उसमें दो तरह की इम्यूनिटी आपकी डेवलप होती है, एक लोकल इम्यूनिटी, एक सिस्टमिक इम्यूनिटी। जब आप इंजेक्शन से अगर आप वैक्सीन देते हैं तो उसमें प्राइमरली जो होता है आपका सिस्टमिक इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होता है। तो जैसे कि फ्लू वैक्सीन के लिए ऑलरेडी हम लोग के पास नेजल स्प्रे अवेलेबल है, तो उसी के आधार पे अगर हम माने तो ये उम्मीद की जा सकती है कि जो नेजल वैक्सीन होगी वो और ज्यादा उपयोगी होगी क्योंकि उसमें दोनों तरह का प्रोटेक्शन मिलेगा, लोकल भी और सिस्टमिक भी। एंड वैसे भी जैसे आपने अभी कहा कि ये जो वायरस है हमारे नाक
के थ्रू मोस्टली एंटर करता है, और जब हम फैलाते हैं, जब हम दूसरों को संक्रमण देते हैं, वो भी नाक के सिक्रीशंस के थ्रू ही होता है। तो अगर हम लोकल लेवल पे अगर इम्यूनिटी होगी, इस वायरस का जो दर है नेजल सिक्रीशंस में, वो काफी हद तक कम किया जा सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो प्रयोग इस पे अभी हो रहा है, तो इसमें आगे हमें सफलता मिले और हमें अच्छी कोई नेजल वैक्सीन जल्दी ही प्राप्त हो। चीन ने ये उम्मीद जताई है कि वो नवंबर तक नेजल स्प्रे, एक ऐसी वैक्सीन लेकर आएगा जो कोरोना के लिए कारगर साबित होगी। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर सब कुछ व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ा तो अगले कुछ हफ्ते में ही वैक्सीन तैयार हो जाएगी। डॉक्टर रूपाली, ठंड के आहट के बीच जब तापमान गिरने लगा है, ऐसे में कोरोना का क्या स्वरूप रहने वाला है? ये कहना अभी एग्जैक्टली कि क्या स्वरूप होगा वो तो मुश्किल है, बट ये है कि सर्दी के समय हम अपेक्षा करते हैं कि वायरस का जो संक्रमण होता है वो और बढ़ जाता है। तो कोरोना वायरस में भी हमें यही उम्मीद है। पहले हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद गर्मी की वजह से ये थोड़ा ट्रांसमिशन कम हो जाएगा, बट वो नहीं हुआ। तो अब सर्दी में तो वैसे ही हम अपेक्षा करते हैं कि ट्रांसमिशन बढ़ने का चांस थोड़ा ज्यादा होता है, तो हमें सावधानी और बरतनी है। सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं शुरू हो गई हैं। ऐसे में जो लोग बैठे होते हैं बस में या किसी और वाहन में, वो मास्क नहीं लगाते हैं, ऐसे में उनसे बचने के लिए क्या किया जाए? अभी भी ये जो लड़ाई है कोरोना के अगेंस्ट, इसमें एक बहुत बड़ी चीज है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर नागरिक की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ना केवल खुद को बचाए पर बाकी आसपास के लोगों को भी ये संक्रमण ना फैलाए। इसके लिए बहुत जरूरी है कि मास्क पहनना, ये हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो केवल ना हम अपने आप को बचाने के लिए पहनते हैं बल्कि आसपास के लोगों को बचाने के लिए भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी, एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक की तरह से बिहेव करना होगा, और जो भी हम नियम बताते आए हैं, हाथ धोना और मास्क पहनना, इन सब चीजों का एटिकेट का फॉलो करना, ये बहुत जरूरी है, जरूर पालन करें। डॉक्टर रूपाली, मामले बढ़ने के बावजूद अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या आप कहेंगी? अगर आप कोई भी सार्वजनिक चीजों को छूते हैं, कोई बिजली के स्विचेस को छूते हैं, कोई लिफ्ट के बटन्स को छूते हैं, कोई रेलिंग को छूते हैं, तो आप अपने हाथों को जरूर धोएं। अगर आप कोई भी ऐसा हाई कॉन्टैक्ट सरफेस टच करते हैं, या कोई लैपटॉप के बटन है या कंप्यूटर के बटन है जिसे और लोगों ने भी छुआ हो, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हैं, इस तरह से अगर आप कुछ भी करते हैं, तो उसके बाद बहुत जरूरी है कि आप अपने हाथों को धोएं, और उस समय आप आंख नाक मुंह को अपने हाथों से ना छुएं, और 1 से 2 मीटर की दूरी अगर बना सकते हैं वो बनाए रखनी है। ये बहुत जरूरी है, सोशल वैक्सीन ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो हमें इस बीमारी से बचा सकती है, वरना कोई और साधन नहीं है। हमें ये सावधानियां जरूर बरतनी होंगी, खासतौर पर जब तक ये सर्दियों का सीजन नहीं निकल जाता है। डॉक्टर रूपाली, हम सब अपने कंफर्ट जोन में नहीं जी पा रहे हैं क्योंकि कोरोना ने बहुत सारी बंदिशें लगा दी हैं। अब चूंकि अनलॉक 4 भारत में चल रहा है और बहुत सारी चीजें खुल गई हैं, ऐसे में लोग अपने बाल कटवाने हेयर कटिंग पार्लर में जाना चाहते हैं, या फिर महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाना चाहती हैं, वहां क्या सावधानियां बरती जाएं क्योंकि वहां सोशल डिस्टेंसिंग बहुत मुश्किल है? कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा जी। एक तो जिस पार्लर में या जहां भी आप जाते हैं बाल कटाने, वो लोग एडिक्वेट प्रिकॉशंस लें, वो लोग पीपी किट को पहने और मास्क पहने। सबसे इम्पोर्टेंट तो मास्क पहनना है, आप भी मास्क पहने और जो भी आप वहां पे पार्लर में जिसके पास जाते हैं उन सबको भी मास्क पहनना, ग्लव्स पहनना जरूरी होगा। और आप कोशिश करें कि कोई भी जो हाई कॉन्टैक्ट वाली जो सुविधा है, मतलब जैसे कोई आप फेशियल कराना है, आईब्रो बनाना, जिसमें कि बहुत पास से आपको वो काम कराना होता है, वो चीज आप ना कराएं। अगर आपको बाल कटवाने हैं वो आप कटवा सकते हैं, क्योंकि इसमें आप मुंह थोड़ा दूर रहता है और दोनों लोग आप मास्क पहन सकते हैं। तो बाल कटवाना, ये चीजें आप कर सकते हैं, बट फेशियल कराना, थ्रेडिंग कराना, जिसमें कि बहुत पास से आपका कॉन्टैक्ट होता है, तो वो चीजें आप अवॉइड करें, क्योंकि अभी ये कहना कि किसको संक्रमण है नहीं है, किससे किसको होगा, बहुत ही मुश्किल है। तो अभी ये थोड़ी सावधानी कुछ समय के लिए और बरतें। आकाशवाणी के कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर रूपाली मलिक से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।